जय जगदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। गुरु हो रहे हैं अस्त। आप सब जानते हैं कि कुंभ में प्रवेश कर गए थे सूर्य और गुरु का अस्त होना लाजमी था। हालांकि सूर्य गुरु परम मित्र हैं और सूर्य गुरु अध्यात्म का ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं व्यक्ति के जीवन में। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम के सूर्य की विसिनिटी में आकर अब गुरु का तेज कम हो रहा है। कोई भी ग्रह अस्त होता है इसका मतलब क्या है? मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था आपको कि जब सूर्य किसी की विसिनिटी में किसी के वलय के बीच में आता है तो सूर्य का अपना तेज इतना बड़ा है, सूर्य जो ग्रहों का राजा है, सूर्य जो तेज पुंज है उसका इतना बड़ा प्रकाश है कि पूरे ब्रह्मांड को वो कवर कर लेता है और उसकी लालिमा निकलती है तब से लेकर उसके अस्त होने तक प्रकाशमान रहता है, उज्जवल उज्जवल रहता है पूरा ब्रह्मांड। ऐसे में अगर वो किसी ग्रह के पास आ जाए, चाहे उस वो ग्रह शनि क्यों ना हो, वो ग्रह गुरु क्यों ना हो, तो वो अस्त हो जाता है। और गुरु अस्त हो रहे हैं। गुरु अस्त होने से पहले गुरु किस नक्षत्र में थे वो भी जान ले हम, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव बात सोचने जैसी नहीं है इस बार, क्योंकि गुरु अस्त होकर भी वो सूर्य के साथ हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि गुरु जो 24 जो 2 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे, मतलब गुरु राहु के नक्षत्र में चल गए थे और गुरु राहु के नक्षत्र में रहते हुए 24 फरवरी को अस्त हो रहे हैं 2022 को, और 2 मार्च को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है कि हालांकि गुरु अस्त हो रहे हैं, हालांकि गुरु अभी बने हुए हैं राहु के नक्षत्र में, तो ये जो 6 दिन है, मतलब समझ लीजिए आप कि 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये जो 6 दिन है इनमें संभालने की जरूरत है गुरु लगन वालों को। गुरु जिनके लिए कारक है, गुरु जिनके लिए बहुत सारा काम करते हैं, गुरु जिनके लिए व्यवसाय लाते हैं, धन लाते हैं, उन लोगों को खबरदारी से 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक संभालना है। उसके बाद क्या होगा, गुरु अंदर ही अंदर थोड़े से सबल हो जाएंगे जब वो अपने नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में प्रवेश कर जाएंगे, और पूर्वा भाद्रपदा में प्रवेश करने के बाद गुरु चाहे अस्त रहें, कब तक है अस्त, 26 मार्च तक, तो 1 महीना 2 दिन का पीरियड है। उसमें भी हम पीरियड देखें तो 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का थोड़ा सा संभालने वाला है और बाकी का पीरियड जो है वो गुरु जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो सबल होकर रहेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता करने वाला नहीं है। तो ये उसी तरह है कि एक बहुत ही प्रतापी कोई राजा है और उसके ऊपर उससे भी बड़ा प्रतापी राजा आकर बैठ गया तो वो थोड़ा सा चुप बैठ गया, उसकी जो रोशनी थी वो थोड़ी सी डिम हो गई, वो चुप से उसकी बातें सुनने लगा जैसे गुरु जो है वो सूर्य की सुन रहे हैं। और ऐसे में अगर उस राजा के साथ साथ उसकी प्रजा भी आके राजा को ढाढ़स बनाना शुरू कर दे तो क्या बात है, फिर वो राजा का बल बढ़ जाएगा और वो भी अपनी 1-2 बात रखेगा। तो इसी तरह गुरु जब पूर्वा भाद्रपदा में प्रवेश करेगा तो अपनी बात रखने के काबिल हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये भी जान लें कि गुरु है क्या। गुरु जो है ये जीव होता है, मैंने कई बार आपको समझाया इस बात को कि गुरु जो है ये आपके जीवन में आपकी शादी है, आपके बच्चे हैं, आपका धन है, व्यवसाय है, इज्जत है आपकी, आपका आत्मज्ञान है, आपकी मेहनत है, आपका क्या कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुरु है। आपके घर में जो आपके पति हैं, अगर आप लेडी हैं तो वो गुरु हैं, आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो गुरु हैं, आपकी बुद्धि में जितना ज्ञान भरा पड़ा है और जितना ज्ञान आपने अर्जित किया है वो सब गुरु है, आपके शरीर में आपका गला, आपका पेट, आपके नितंब यानी के हिप्स, आपके नीचे के पैर, ये सब गुरु हैं।
और जब पेट ही खराब होता है तो पूरा शरीर अनियंत्रित हो जाता है। तो कैसे कैसे सब राशि पर प्रभाव पड़ेगा, किसको पेट संभालना है, किसको व्यवसाय संभालना है, किसको धन संभालना है, किसको पति के साथ अनबन नहीं करनी है, या किसको कैसे कैसे अपने विवाहित जीवन को बचाना है या व्यवसाय को बचाना है, चलिए अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर गुरु के अस्त होने का प्रभाव बताते हैं। मेष राशि के लिए गुरु अस्त हुए कुंभ राशि में, तो जितना धन आ रहा था ना, आप थोड़ा सा रुकेगा और वो जैसे ही 2 मार्च के बाद फिर से खुलना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए अपना पैसा किसी कोर्ट केस में, नया कोर्ट केस शुरू नहीं करना है, कोई विवाद शुरू नहीं करना है, बड़े भाई बहनों से बेचैनी नहीं करनी है, और अपने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा धन कमाने की जो व्यवस्था है उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं ये जो धन है इसको अभी का अभी खर्च कर दूं। बचाइए थोड़ा पैसे को और अपनी क्या कहते हैं, अपनी बिजनेस को भी शांति से करिए। कोई ऑफर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई प्रेम संबंधों में बिगाड़ है तो जरा चुप हो जाइए, स्पेस बना के चलिए। अपने विदेश रिलेटेड कार्यक्रम, अपनी यात्राओं में जरा शांति से अपनी तबीयत संभालते हुए जाइए। वृषभ राशि, आपके लिए अब आपकी हेल्थ है गुरु, और अभी आपके शुक्र भी वहीं विराजमान है धनु राशि में। इस सप्ताह के अंत में वो जाएंगे मकर राशि में और पंचग्रही योग बनाएंगे। तब तक आपको अपनी तबीयत संभालने के लिए अपने पेट की व्यवस्था, अपना मोटापा, अपनी गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। 2 मार्च के बाद ये स्थिति सुधरेगी और आपके काम भी पूर्ववत होंगे, पिता की तबीयत ठीक होगी, धन आना फिर से थोड़ा बहुत शुरू होगा। तो 26 मार्च को वृषभ राशि वालों के लिए ये गुरु जो हैं ये फिर से कंफर्टेबल कर देंगे इनको, लेकिन तब तक जो है आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। जब तक स्थिति बनी हुई है आपको क्या करना है, अपने अंधाधुंध पैसे खर्चे नहीं करने, जो के पैसा आ रहा है उसको मना मत करिए काम को, कोई नया कोर्ट केस विवाद खड़ा मत करिए, कोई नई संपत्ति के लिए झगड़े मत शुरू करिए इस दौरान, और अपनी तबीयत को भली भांति, व्यवसायिक पार्टनर के साथ संबंध, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ संबंध भली भांति संभालिए। मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और जो अस्त होंगे ये तो अस्त होंगे तो हो सकता है आपके समझ ना आए और आप बिजनेस में अंधाधुंध पैसा लगा दें, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। अगर आप बिजनेस की यात्रा पर निकले हैं तो हो सकता है आपका कार्य 2 मार्च के बाद बनने वाला है, तो अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाद में जाइए। अब ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन नहीं करनी है, सब शांति से करना है, रिलैक्स होकर। अब जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही थी मिथुन राशि वालों के, उनके लिए अच्छा है ये, क्योंकि उनका विपरीत स्वभाव का स्वामी है तो उसकी ताकत कम होगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी। तो कई सारी ऐसी राशियां हैं जिनको गुरु अस्त होने के बावजूद भी फायदा देता है, और गुरु अस्त होने के बाद अगर काम में नुकसान देता है तो कहीं कहीं पर वो उनको, अगर उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा ये सब या गोचर में खराब चल रहा हो तो वहां आपको वो घबराहट से दूर लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज संभालनी है, वो आपका काम, आपके रिलेशन, कामकाज की जगहों पर, और आपको विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ रिलेशन, अपनी पब्लिक इमेज को संभालना है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब गुरु आपके इन दिनों जो हैं वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, अस्त हो जाएंगे तो तबीयत को संभालना पड़ेगा, पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स, कमर में दर्द है, कुछ है तो संभालिए। और अगर आपको कोई लोन्स वगैरह लेने थे, आप चाहते थे कि कोई आपको कर्जा मिल जाए, कुछ हो जाए, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। 2 मार्च के बाद स्थिति संभलेगी, उस बीच पंचग्रही योग भी है, तो सबसे पहले अपनी तबीयत संभालिएगा और बाद में कुछ भी करिएगा। अब आपके भाग्योदयकारी ग्रह भी हैं ये, तो कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, आप निरंतर मनाई करते जाएंगे तो आगे चल के भी नहीं बनेंगे। कोई बात अगर सरल पकती है, धीमे धीमे पकती है, तो पकने दीजिए, ऑफर्स को ले लीजिए, आगे चल के पकेगी ऑफर्स। बड़े भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखिएगा, यात्राओं में बहुत ज्यादा उछल कूद मत कीजिएगा। सिंह राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपके अष्टम भाव के स्वामी, तो
आपकी बुद्धि और आपका शरीर दोनों के स्वामी बनते हैं ये, और आप ही के लग्न के मालिक के साथ बैठे हैं, इसलिए स्थिति संभली हुई है। अदरवाइज आप थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने मानसिक हालात को लेकर और शारीरिक स्थिति को लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको किसी गुरु के शरण में जाना है, आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। आप कर सकते हैं केले के वृक्ष में पानी डाल सकते हैं, आप हल्दी और चंदन का टीका लगा सकते हैं, और समझ लीजिए कि 2 मार्च के बाद स्थिति संभलने वाली है, तब तक ही ये बेचैनी बनी रहेगी। कन्या राशि, अब देखिए आपके चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये षष्ठ में अस्त हो रहे हैं, तो प्लीज अपने विवाहित जीवन में डाइवोर्स लेने का अभी तो नहीं सोचना है, गलत डिसीजन हो जाएगा ये। जब 26 मार्च को ये जब निकल जाएंगे, मतलब कि ये 26 मार्च को उदित होने वाले हैं, तब तक आपको मेरा पेपर वहां पड़ा हुआ इसलिए देख रही थी, तो 26 मार्च को जब उदित होंगे तो 26 मार्च के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए, विवाहित जीवन में डाइवोर्स चाहिए नहीं चाहिए। इन सब चीजों से आपको जो आपका विचार अभी जो बहुत ही एकदम से बुझा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि नहीं यही कर डालूं, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अपने बच्चों से रिलेटेड भी कोई डिसीजन अभी लेने की जरूरत नहीं है, जैसे चलता है चलने दीजिए। अपने मित्र वगैरह से भी उदास और निराश होने की जरूरत नहीं, शायद उनकी कोई समस्या हो, और अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी है, तो आपका व्यवसाय सही चले, आपकी घर की व्यवस्था सही चले। इसलिए आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, मां के पैर छूने हैं, विवाहित जीवन के पार्टनर की सलाह माननी है, उनको नाराज नहीं करना है, स्पेस देना है, प्रैक्टिकली डील करना है चीजों को। व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी इसी तरह रहना है, और हेल्पर्स के साथ उलझना नहीं है, घरेलू अपने घर में सुख और व्यवस्था बनाने के लिए, सुख शांति बनाने के लिए आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके पराक्रम और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं गुरु, पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो ज्ञान जाग गया था, बहुत ज्यादा जो आपने सोचा ये भी कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, थोड़ा सा पीछे हट होगी। आप सोचोगे कि मैं कोई डिसीजन गलत तो नहीं कर रहा, और लोन्स लेने नहीं लेने, जरा असमंजस हो जाएगा, जरा असमंजस हो जाएगा तबीयत के लिए, और असमंजस हो जाएगा यात्राओं के लिए, तो अच्छा है अभी यात्रा मत कीजिए। वैसे भी मंगल शनि युति में आपको संभल के ही रहना है, यात्राओं में क्या और घर में क्या, तो आपसे मेरी यही विनती है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी स्थितियों का जायजा पूरा लीजिए। 2 मार्च के बाद फिर भी आपको थोड़ा उजाला आएगा दिमाग में, और बेहतर सोच पाएंगे आप सभी के विषय में, लोन्स के विषय में, तबीयत के विषय में, छोटे भाई बहनों के विषय में, या बच्चों के विषय में। वृश्चिक राशि, आपके लिए गुरु की स्थिति कहती है कि आपके परिवार और आपके बच्चे, आपका दिमाग सब स्वस्थ रहना चाहिए, और इसलिए जो घर में वातावरण है वो आपको सही बना के चलना है। आपकी परीक्षा है, आपको मंगल शनि युति भी लगेगी, आपके गुरु जो है वो चतुर्थ में बैठे हुए हैं, तो आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं बिजनेस को, और आगे भी करते रहेंगे। 2 मार्च के बाद ये स्थिति संभल जाएगी, लेकिन ये जो 5-6 दिन आएंगे इसमें पंचग्रह योग भी बनने वाला है, तो आप ना हो तो नवग्रह की पूजा करा लीजिए, और ना हो तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी मानसिक तबीयत का ध्यान रखने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या मेडिटेशन कीजिए, और किसी गुरु के शरण में जाइए। यात्राएं जितनी स्थगित कर दें अभी उतना अच्छा है, परिवार वालों से मन मुटाव ना करें, बोल चाल का काम सुख शांति से रखें, बुझाइए नहीं मन, कुछ बुरा नहीं हुआ है। धनुराशि, आपके लग्नेश हैं और एकदम से आपका मन बुझने लगेगा, आपकी माता की तबीयत की चिंता रहेगी आपको, और आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है आसपास, थोड़ा सा घबरा जाएंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 मार्च के बाद फिर से उजागर होगा सब, ये 5-6 दिन थोड़ा सा हड़कंप मचने वाला है, तो इस हड़कंप से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको महामृत्युंजय के जाप करने हैं, आपको खाना पीना सही से है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, और आपको और भी क्या चीज करनी है, आपको गुरु के सारे उपाय करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, गुरु के सारे उपाय कीजिए, और इससे आपकी मनस्थिति संभलेगी, नहीं तो आप अपनी माँ की बात मानते रहें तो भी आपकी मनस्थिति संभलेगी। मकर राशि, एक तो आपके लग्न में बन रही है मंगल शनि युति, और गुरु वस्तु होने से क्या हुआ, आपके खर्चे अंधाधुंध हो गए, आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके कुछ
ठंडे बंदे हो गए, प्रेम संबंधों में अचानक से कोई विरोध आया और आपके कोई यात्राओं में आपको नुकसान हुआ, तो एक काम करते हैं, फिलहाल यात्राओं को टाल देते हैं जब तक ये मंगल शनि युति रहती है, गुरु अस्त रहता है खासकर, तो यात्राएं अगर टलती हैं, अगर बहुत ही आवश्यक है तो महामृत्युंजय के जाप करते रहिए, जाइए सुनते रहिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में महामृत्युंजय के जाप का लिंक भी डाल देता हूँ जो मैंने खुद गाया है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, बड़ा ही मैंने भावना से गाया है और मैं शिव भक्त भी हूँ। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी बना के रखिए, पराक्रम आपका थोड़ा सा शिथिल होता है, थोड़ी सी ठंडापन आता है नेचर में, बिजीनेस होती है तो स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा उसको सोचिए मत इसके लिए। और क्या कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें, उससे आपका मानसिक बल शारीरिक बल दोनों बना रहेगा। कुंभ राशि आपके लिए, अब लग्न में गुरु हैं, शादी की बातें चल रही थी और अचानक वरवधु पीछे हट गए, कोई बात हुई तो उसको टेंशन मत लीजिएगा बहुत ज्यादा दिमाग पे, और उसको नॉर्मल सी बात समझ के 1 महीना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्च के बाद स्थितियां तो संभलेंगी, लेकिन आप फटाफट कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपके पैसे भी आने में अगर देरी होती है, क्योंकि गुरु आपके लिए पैसा भी है, तो गुरु आपके लिए अगर कोई ऐसी बात करता है जैसे आपके परिवार वालों को पैसा चाहिए नहीं मिल रहा, आपको कोर्ट केस के लिए पैसा चाहिए नहीं मिल रहा, आपको पैतृक संपत्ति के विवाद में से पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा, धन आना है वो नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा सोचिए इस विषय पे कि उन्हें क्यों नहीं मिल रहा, बुद्धिमानी से सोचिए, बुध आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके डिसीजन सही होंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल आएगा 2 मार्च के बाद, इसलिए बेचैन होने की जरूरत नहीं। मीन राशि आपके लग्न है शनि गुरु अस्त होते हैं तो आपका काम बिगड़ता है और पर्सनालिटी में थोड़ा सा आकर्षण कम होता है, अट्रैक्टिवनेस कम होती है, आप थोड़ा सा बुझाते हैं मन, बुझाने की जरूरत नहीं। देखिए मकर का शनि बैठा हुआ, मकर का मंगल भी आएगा, वो चाहे जितना भी उल्टा पलटा करे लेकिन पैसा दे के जाएगा, तो पैसा आएगा इसका मतलब बिल्कुल भी बिजनेस एकदम बंद नहीं हो जाएगा, खाली उस पैसे को संभालना और नष्ट नहीं करना, ये मैं आपको हिदायत देती हूँ। और आपके लिए अपने कार्य व्यवसाय स्थल पर अपने पिता अगर साथ में काम करते हैं तो उनको गलत सलत बोलना, या अपने परिवार को गलत सलत बोलना, या अपने कार्य क्षेत्र में बेचैनी करना, काम नहीं बन रहा काम नहीं बन रहा, ये सब नहीं करना है, आपको शांति से ये दिन काटने हैं, थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाइए, वैसे भी आप सहनशील होते हैं, आप बहुत जुगाड़ू होते हैं, समझदार होते हैं और आप अपना काम बना के रहते हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि आप कोई काम बिगड़ने नहीं देंगे। बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, शुक्र बुध ये सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका उत्साह उमंग फिर भी बना रहेगा, और आपके बच्चे और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर से और आपकी पत्नी और आपकी माता से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको के गुरु जो हैं वो अस्त हो रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ग्रह अस्त होते रहते हैं, ग्रह उदित होते रहते हैं, बहुत वक्री होता है, मार्गी होता है, बदलता है, इसको दिमाग पे ब्रेन पे नहीं लेना चाहिए, अपना काम करते जाना चाहिए, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, और आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, जब कभी आपको ज्ञान की कमी लगे तो टाइप कीजिए, गूगल कीजिए और अपना ज्ञान निकालिए और समझिए, ना हो तो किसी गुरु को, किसी को गुरु बनाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर से सहायता लीजिए, किसी से बात कीजिए, अपने माता पिता सास ससुर सबकी इज्जत कीजिए, बहुत सारी बातों का आपको निदान मिल जाएगा, यही प्रैक्टिकल अनुभव आपको आगे लेके जाते हैं। ग्रह बदलते रहते हैं, याद रखिएगा ग्रहों के हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको गुरु के अस्त होने का प्रभाव सभी राशि वालों पर, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और वीडियो लेकर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।